हेलो दोस्तों, ये माउथ स्प्रे मैंने अपने हाथों से बनाया है और ना कोई खर्चा इसको बनाने में। आप अपने घर में पुराना पेन या पुराना पाइप जो भी मिले आप उससे बना सकते हैं। और अगर आप यही माउथ स्प्रे आप अमेजोन में ख़रीदेंगे तो लगभग उसका प्राइस है 229 रुपये। आप इसे बनाना चाहते हैं और इसका वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करें, मैं अगले वीडियो में इसका वीडियो बना के डालूँगा और आप उसे देख सकते हैं और देख के बनाना सीख सकते हैं। काफ़ी आसान होता है और काफ़ी बहुत ही स्मूथली और अच्छी फिनिशिंग के साथ आपको काम पेंटिंग का काम करने में मज़ा आएगा ये माउथ स्प्रे से। और माउथ स्प्रे से आप अगर पेंटिंग करते हैं तो आपको काम करने में आसानी होती है और काफ़ी अच्छा लगता है बनाने में भी और देखने वालों को भी। तो वीडियो पर बने रहें। मेरे चैनल का नाम है उमेन आर्ट और आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। तो वीडियो पर बने रहें, काफ़ी अच्छा पेंटिंग वीडियो है जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही चुका है। तो प्लीज़ अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह का मेरी पेंटिंग मैं हमेशा अपलोड करता रहता हूँ और बहुत सारे वीडियो मैं अपलोड भी कर चुका हूँ। अगर आप नए हैं, पहली बार देख रहे हैं तो उमेन आर्ट सर्च कीजिए और बाकी वीडियो को भी जाकर देखिए, निश्चित तौर पर आपको पसंद आएगा। और इस तरह की पेंटिंग आप सीख रहे हैं या सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको देखने में और भी अच्छा अच्छा पेंटिंग देखने को मिलेगा। और जहाँ तक इस तरह की पेंटिंग सीखने का सवाल है तो आप घर में रेगुलर प्रैक्टिस करें। और मैं अभी भी इस तरह की पेंटिंग बनाने से पहले मैं घर में प्रैक्टिस करता हूँ क्योंकि मैं भी अभी सीख ही रहा हूँ। आप पेंटिंग का काम ऐसा है, जब तक आप जिंदा है काम कर रहे हैं तब तक आप पेंटिंग पूरा कंप्लीट सीख ही नहीं सकते। ये काम ही ऐसा है कि आप जब तक जैसा करते जाओगे आपकी पेंटिंग भी इम्प्रूव होता जाएगा और आप धीरे धीरे अच्छा आप जैसे पहले बनाते थे उससे आप अच्छा पेंटिंग बनाते जाओगे। तो इसलिए आप कभी नहीं बोल सकते कि आप पेंटिंग कम्प्लीट सीख चुके हैं। पेंटिंग का काम ही ऐसा है, जितना करोगे उतना आपका हाथ फिनिशिंग होता जाएगा। तो इसलिए काम के प्रति, अपने काम के प्रति मेहनत करते रहें तभी सीख पाएंगे। और ये जो मैं कलर यूज़ किया हूँ ये फ्लोरोसेंट कलर है और जो ब्लैक कलर है वो इंडिगो का इमर्सन पेंट है। तो अगर आप माउथ स्प्रे के बारे में जानना चाहते हैं क्या है कैसा है तो आप कमेंट करेंगे तो अगले वीडियो में माउथ स्प्रे का वीडियो बना के डालूंगा कि मैंने इस माउथ स्प्रे को अपने हाथ से कैसे बनाया है बिना कोई खर्च किए। तो जितना ज़्यादा कमेंट होगा तो मैं उसका वीडियो बना के ज़रूर डालूंगा। और इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहें और अगर आप इस तरह मुझे सपोर्ट करते रहें तो आप लोगों के लिए मैं नए नए वीडियो अपलोड करता रहूँगा। और जब भी आपको कुछ आवश्यकता हो, कुछ जानकारी चाहिए तो मैं आपको जहाँ तक मुझे जानकारी है मैं बताने की कोशिश करूँगा। और जहाँ तक मेरी पेंटिंग का सवाल है, आप लोगों को नए नए डिज़ाइन आपको देखने को मिलता रहेगा। और माउथ स्प्रे के बारे में तो मैंने बता ही दिया है कि मैं अगला वीडियो में उसको वीडियो डालने वाला हूँ। तो मेरे चैनल पर बने रहेंगे और वीडियो को पूरा वॉच करेंगे। अगर आप वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आपको स्टेप बाय स्टेप पेंटिंग आपको समझ में आएगा और आप भी इसी तरह का पेंटिंग बनाना आसानी से सीख जाएंगे। तो इसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना ज़रूरी है। अगर आप पेंटिंग सीख रहे हैं तो वीडियो पर बने रहें, म्यूजिक के साथ वीडियो को पूरा देखें। वीडियो थोड़ा सा लंबा है लेकिन क्या है, मैं वीडियो को पूरा डालता हूँ कंप्लीट ताकि आप लोग को हेल्प हो सके और आप पूरा देख कर आप आसानी से बनाना सीख सकते हैं। जो बिगिनर है तो वीडियो पर बने रहें और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़, और लाइक तो करना ना भूलें। और आपको पेंटिंग देखने के बाद, कंप्लीट देखने के बाद कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप लोग कमेंट करके बताते हैं पेंटिंग में कुछ कमी है या पेंटिंग अच्छा है तो मुझे भी अच्छा लगता है कि हाँ, कि जो मेरे व्यूवर्स हैं वो मुझे देख कर कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं या कुछ पूछने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं ज़रूर आपको सभी जो कमेंट करते हैं मैं सभी देखता हूँ। क्या है, कभी कभी मैं हर बार रिप्लाई तो नहीं कर पाता लेकिन देखता ज़रूर हूँ और कोशिश करता हूँ कि मैं सभी का रिप्लाई भी दूँ। तो प्लीज़ कमेंट करना ना भूलें। वीडियो कैसा लगा
तो बाय बाय दोस्तों, मिलेंगे फिर से अगले वीडियो पर। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग आपका अपना मेन आर्ट।